हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेसन नंबर 4, लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नथाली ट्रॉवेलर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द समरी। व्हाट इज द समरी ऑफ द लेसन? एंड आई हैव टोल्ड यू 3 डिफरेंट स्टोरीज अबाउट बूथ हाउसिंग, वन पेंटर हु ड्रॉ अ लैंडस्केप ऑन द पैलेस वॉल। द अदर स्टोरी इज अबाउट ड्रैगन who never made eyes because he had a fear that the dragon would fly from the picture. And the last painter or last story is about Quinton Hansis, master blacksmith, जिसको एक painter की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके स्टूडियो में जाके उसका जो स्टूडियो था, मतलब उसका जो रूम था पेंटर का, तो वहाँ पे जाके वो एक फ्लाई बनाता है और उसको लगता है कि ये जैसे कि सेम ओरिजिनल फ्लाई हो, ऐसा उसको लगता है पेंटर को। और फिर दोनों की शादी हो जाती है, दोनों शादी कर लेते हैं और वो उसको जो पेंटर है वो क्विंटन हैंसिस को अपने साथ काम पे रख लेता है। ओके, तो ये स्टोरी हमने देखी थी। यहाँ पे कुछ पिक्चर शो किए हुए, सो ये बूथ हाउसिंग का जो लैंडस्केप था वो था, उसमें माउंटेन्स, फॉरेस्ट है, ट्रीज है, कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, रिवर्स है। ओके, मेन थिंग इज केव। जो हम केव की बात कर रहे थे, वो जो बूथ हाउस जी बोला था कि उसने एक जो उसका जो लैंडस्केप था उसने केव बनाया और वो प्लैप करेगा तो उसका जो रोड जो है वो खुल जाएगा। आगे हम देखते हैं उसके स्टोरी में। यहाँ पे ड्रैगन थ्रोट किया है जिसने आइस थ्रोट नहीं की और ये का जो इंटरमैक्सिस की जो स्टोरी थी उसकी बात है। तो तीन ड्राइंग हमारे पास है यहाँ पे। तो लेट्स बिगिन द लेसन, लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नथाली ट्रॉवेलर। तो हम बात करेंगे चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट कितना डिफर है डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो पेज नंबर 34 आप ये टेक्स्ट बुक लेके फेंको, फेंको ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर बूथ हाउस जी हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी। तो बूथ हाउस जी का यहाँ पे जो पेंटर है वो 8th सेंचुरी में था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज लैंडस्केप कमीशन बाय द 10th एम्परर ज्वांगजांग डेकोरेटर पैलेस फॉर। उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो थी एक लैंडस्केप की पेंटिंग थी जो 10th एम्परर ज्वांगजांग था, उसने उसको बोला था कि आप पैलेस का जो वॉल है उसके ऊपर बनाओ। द मास्टर हैड इनर हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। तो उसने एक पेंटिंग बनाई और उसने वो पेंटिंग स्क्रीन के पीछे उसने छुपा ली ताकि कोई और देख ना ले। सो ओनली द एम्परर टू सी इट, सो ही वांट्स ओनली एम्परर टू सी दैट। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। काफी लंबे टाइम तक जो एम्परर था वो जो सीन था उसको एडमायर करता रहा, उसका उसके बारे में तारीफ करता रहा। ही डिस्कवरिंग फॉरेस्ट थे, ओके, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पास, बर्ड्स इन फ्लाइट एटसेट्रा। ओके, तो वो जो उसका जो लैंडस्केप था बूथ हाउस जी का जो उसने बनाया था वॉल के ऊपर, तो वो जो 10th एम्परर था ज्वांगजांग उसको बार बार वो एडमायर करता था उसकी पेंटिंग को, बहुत ही तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, और वो तारीफ करता था हर एक चीज की जो उसने बनाई थी पेंटिंग के अंदर। क्या क्या था? वो डिस्कवरिंग फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स भी थे, क्लाउड्स थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, इमेंस मींस वेरी ह्यूज, वेरी बिग। ओके, फ्लोटिंग मींस मूविंग, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं उसके जो स्काई है उसमें, मैन ऑन हिली पास कुछ लोग भी वहां पे चल रहे हैं, बर्ड्स इन फ्लाइट कुछ बर्ड्स भी वहां पे फ्लाई कर रहे हैं। तो वो जो 10th एम्परर था उसको एडमायर करता था, उसकी जो तारीफ करता था जो पेंटिंग थी उसकी। एंड लुक सर, सेड द पेंटर। एक दिन जब वो दोनों एक साथ पेंटिंग देख रहे होते तब वो जो पेंटर था बूथ हाउस जी वो जो एम्परर था उसको बोलता है, लुक सर, देखो सर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स स्पिरिट। ओके, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के नीचे उसने केव बनाया है, ड्वेल्स स्पिरिट, जिसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, सोल रहता है, आत्मा रहती है।
The painter clapped his hands and the entrance to cave opened. तभी वो जो पेंटर था वो क्लैप करता है और जो जो केव का जो डोर था वो खुल जाता है. सो के पेंटर ओके सो द पेंटर क्लैप हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. सो द पेंटर सेड द इनसाइड इज स्प्लेंडिड. स्प्लेंडिड मींस वेरी इंप्रेसिव. उसके अंदर मतलब केव के अंदर बहुत ही इंप्रेसिव थिंग्स है. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे हम उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते. प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. तो उसको रिक्वेस्ट करता है और उसको परमिशन मांगता है कि मुझे परमिशन दो कि मैं आपको वो रास्ता दिखाओ ताकि वो केव के अंदर कैसे जाते हैं और केव के अंदर क्या क्या स्प्लेंडिड थिंग्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. मुझे परमिशन दो. So please let me show your majesty the way. The painter entered the cave. इतना बोल के जो painter था वो cave के अंदर enter होता है. But the entrance closed behind him. जैसे ही वो painter अंदर enter होता है जो entrance था वो बंद हो जाता है. जैसे कि वो अंदर जाते हैं वैसे entrance बंद हो जाता है. And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Okay? So the painter entered in the cave and but the entrance closed behind him. जैसे वो अंदर एंटर होता है वो एंट्रेंस बंद हो जाता है. एंड बिफोर द एस्टोनिस्ट एम्परर एस्टोनिस्ट मींस शॉक. द शॉक एम्परर था वो कुड मूव और अटर अ वर्ड. कुछ वहां से कुछ मिले या तो फिर कुछ अटर अ वर्ड मींस कुछ बोले उससे पहले द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. वैनिश मींस डिसअपीयर. तो पेंटिंग थी वो डिसअपीयर हो जाती है वहां से गायब हो जाती है वॉल के ऊपर से. नॉट अ ट्रेस ऑफ हुज़ाउसिस ब्रश वाज लेफ्ट. ट्रेस मींस मार्क. एक छोटा सा मार्क भी हुज़ाउसी का जो ब्रश था उसका छोटा सा मार्क भी वहां पे नहीं रहता. मतलब वहां पे कुछ भी नहीं था. जैसे पहले वॉल था वैसे हो जाता है और जो पेंटर था वो भी गायब हो जाता है और उसकी उसके साथ साथ उसने जो पेंटिंग बनाई थी लैंडस्केप बनाया था वो भी उसके साथ डिसअपीयर हो जाता है वैनिश हो जाता है. And the artist was never seen again in this world. Okay, so after that, they never see the artist in this world. मतलब उसके बाद वो कभी उन्होंने artist को फिर से वहाँ पे नहीं देखा है. Okay, तो ये थी जो हुज़ाउसी की जो story थी उसकी बात. So this is Chinese classical story. और ये जो जो students हैं वहाँ पे pupils हैं उनको ये क्लासिकल स्टोरीज और वो लोग पढ़ाते ज्यादा. ओके नेक्स्ट पढ़ेगा सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनास क्लासिकल एजुकेशन. तो ये जो ऐसी जो स्टोरीज है वो चाइना का जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल वो अदा करता है. ओके वो लोग ज्यादा वो लोग पढ़ाई में एजुकेशन में वो लोग ऐसी पेंटिंग या ऐसी स्टोरी वो लोग ज्यादा यूज करते हैं. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. Okay, और ये जो दाम है जो Confucius और Zhuangzi वो दोनों Chinese philosopher हैं और उनकी जो books हैं वो सारी ऐसे ही story से भरी हुई है. So the books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. और ये जो books हैं वो guide जो master होता है उसको हेल्प करता है टू गाइड डिसिपल. डिसिपल मीन्स फॉलोअर. और यहाँ पे मास्टर है तो उसका फॉलोअर होगा या तो फिर उसका स्टूडेंट होगा. तो ये जो बुक्स है वो मास्टर को हेल्प करता है कि वो अपने जो डिसिपल है अपना फॉलोअर है अपना स्टूडेंट है उसको एक राइट डायरेक्शन पे ले जाए. बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. तो बियॉन्ड द एनेक्डोट एनेक्डोट मतलब जो शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होती हो शॉर्ट स्टोरी आप जिसको बोलते हो. तो उसके परे ये जो चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन है उसमें शॉर्ट स्टोरी होती है लेकिन उससे परे वो लोग आर्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं. ओके सो दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. वो स्पिरिट को सोल को माइंड को ज्यादा यूज करते हैं अपने एजुकेशन में. ओके कंट्रास्ट दिस स्टोरी. तो ये बात समझ में आएगी आपको. जो पहली स्टोरी थी वो हुज़ाउसी की अपने उसने लैंडस्केप बनाया था उसमें केव था और क्लैप करो तो वो क्लैप
क्लिप और सॉरी की खुल जाता है और फिर वो जो पेंटर था वो वहां से गायब हो जाता है। इतना याद रखना है आपको यहाँ पे। ओके सो नेक्स्ट इज कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडन ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। इसके कंट्रास्ट में एक चाइनीज स्टोरी दूसरी है, एक चाइनीज पेंटर दूसरा है जो ड्रॉ करता है ड्रैगन को लेकिन वो कभी भी ड्रैगन की आईज ड्रॉ नहीं करता है। वो ड्रॉ करता है ड्रैगन को। अभी ड्रैगन की बात करें तो हम ड्रैगन को चाइना के साथ अच्छा उनका तालमेल है। ओके उसका सिंबल भी बोल सकते हैं। चाइना में जो होता है फेस्टिवल होता है या फिर न्यू ईयर होता है, अभी फेब्रुआरी में होगा उसका न्यू ईयर, 12 फेब्रुआरी को चाइनीज न्यू ईयर है और 11 से लेकर 17 तक उनका पूरा वीक, जैसे हम दिवाली मनाते हैं न्यू ईयर मनाते हैं वैसे ही वो लोग 11 से लेकर 17 फेब्रुआरी तक 2021 वो लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे और ड्रैगन फेस्टिवल होगा। तो वो सब हम चाइना में ज़्यादा देखते हैं ड्रैगन को। तो उसमें एक पेंटर था चाइना का जो ड्रैगन पेंट करता था। ओके बट ही नेवर पेंट इट्स आईज बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड फियर दैट ड्रैगन विल फ्लाई आउट फ्रॉम द पेंटिंग। तो द पेंटर हु वुडन ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसको डर था कि मैं अगर आंखें बनाऊंगा तो वो पेंटिंग से फ्लाई करके बाहर चला जाएगा। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माय नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो ये कंट्रास्ट स्टोरी थी, हमने दो स्टोरी देखी चाइना की, एक तो लू डाओजी की लैंडस्केप और ये ड्रैगन वाले जो एक पेंटर था चाइनीज पेंटर जो ड्रैगन ड्रॉ कर। अभी जो हमारे जो राइटर है नथाली ट्रॉवेलर। ओके ओके तो नथाली ट्रॉवेलर तो वो क्या कहती है, विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माय नेटिव फ्लैंडर्स। अभी वो अपने अपने कंट्री में यूरोप में जैसे स्टोरी कैसे स्टोरी होती है या फिर कैसे पेंटिंग होती है, कितना अलग है वो चाइनीज स्टोरी और यूरोपियन स्टोरी में, वो भी हमें बताती है कि फ्रॉम माई नेटिव हम उनका जो प्लेस था वो नथाली ट्रॉवेलर का यूरोप में फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पेंटिंग। तो मेरे नेटिव का फ्लैंडर्स एक प्लेस का नाम है यूरोप में, सिनेमा प्लेस इन यूरोप फ्लैंडर्स आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो उनके पास मतलब उनको एक स्टोरी याद आती है जो एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग है वेस्टर्न पेंटिंग का। ओके वो क्या है हम देखते हैं। ओके नेक्स्ट पढ़ेगा पेज नंबर 35। इन 15th सेंचुरी एंकर अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैक्सिस फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर। ओके तो 15th सेंचुरी की बात है, अब हम बात कर रहे हैं यूरोपियन पेंटिंग की, वेस्टर्न पेंटिंग। तो 15th सेंचुरी एंटवर्प जो बेल्जियम में सीखी है बेल्जियम की, तो मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैक्सिस एक ब्लैकस्मिथ था जो बहुत सालों से ब्लैकस्मिथ का काम कर रहा है तो उसकी वजह से उसको मास्टर ब्लैकस्मिथ बुला गए और उसका नाम है क्विंटन मैक्सिस। फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, वो जो पेंटर था उसकी डॉटर से उसको प्यार हो गया है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, तो उसका जो पेंटर जो था जो डॉटर का जो फादर था ओके जिसका उसको उसके साथ जिसको लव हो गया था वो जो पेंटर था वो था वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सच ए प्रोफेशन, मतलब उसको मास्टर ब्लैकस्मिथ नहीं चाहिए। तो उसने तो वो अलाउ नहीं कर रहा था कि वो ब्लैकस्मिथ उसकी बेटी का हस्बैंड हो जाए। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड द पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो वो जो क्विंटन था वो स्नीक्ड इनटू मतलब एंटर हो जाता है अपने स्टूडियो में, पेंटर के स्टूडियो में, और क्या पेंट करता है वो फ्लाई इन लार्ज पैनल। तो वो क्विंटन मैक्सिस था वो अपने जो पेंटर था उसके स्टूडियो में जाके पैनल था उसके ऊपर क्या ड्रॉ करता है फ्लाई ड्रॉ करता है।
विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट रियलिज्म इतना रियल था कि जैसे कि आपको ऐसे लगे कि वो रियल फायर हो। डेलिकेट रियलिज्म का अगर डीप में मीनिंग देखे तो इट रिफर्स टू द एल्यूरिंग क्वालिटी ऑफ द आर्ट विच मेक्स इट सीम रियल। इट इज एन इंटरेस्ट एम और कंसर्न फॉर द एक्चुअल और रियल एज अपोज टू द एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे। तो इतना रियल था कि जब वो मास्टर को देखते दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन। तो उतना रियल था कि जब वो था वो उसको उड़ाने की भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो रियलाइज करता है कि ये रियल नहीं है, ये ड्राइंग है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो। तो जो पेंटर था वो जब एंटर होता है वो देखता है कि उसने किसने पेंटिंग ड्रॉ की थी, उसको लगता है कि ये रियल है, वो उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ता नहीं है। तब उसको रियलाइज होता है कि ये एक पेंटिंग है जो बनाई है क्विंटन मेडसिस ने। तो उसको पता चलता है तब वो उसको एज ए अप्रेंटिस, उसको एज ए लर्नर उसके स्टूडियो में रखता है उसके साथ काम करने के लिए। तो क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो। ही मैरिड हिज बीलव्ड एंड वेंट टू ऑन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। दोनों की शादी हो जाती है क्विंटन मेडसिस की उसके डॉटर के साथ, और जो क्विंटन मेडसिस था वो अपने एज का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर हो जाता है। दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट इज ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ओके, ये जो स्टोरीज है वो हमें देखना है कि वो दोनों स्टोरीज क्या अचीव करना चाहती है, हमें क्या दिखाना चाहती है। परफेक्ट इलिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, हमारे पास दो स्टोरी है और दो मैथड या तो फिर दो उसके मीनिंग है। क्या है यूरोप, यूरोप में क्या होता है इलिस्टिक लाइकनेस, एक वन काइंड ऑफ इल्यूजन हमें दिखाता है। ठीक है, जो पेंटर जो ड्रॉ करता है हमें वही देखना है, पेंटर जो ड्रॉ करता है या फिर फ्लाई उसने ड्रॉ की है तो हमें जो दिखाना चाहता है हमें वही देखते हैं। ये हो गई यूरोपियन पेंटर पेंटिंग। लेकिन चाइनीज पेंटिंग में वो जो ड्रॉ करता है उसके बाद हम हमारी आई यूज करते हैं और हमारा माइंड यूज करते हैं और हम कोई भी एंगल से उसको देख सकते हैं कि या तो फिर ये नेचर से नहीं, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे लोग है, यहाँ पे गेम है। तो हम जो व्यूअर है तो वो अपने दृष्टिकोण से वो उसको देखता है। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन पेंटिंग में जो बना है वो रियल है, हमें वही देखना है। ओके, जो बना है हमें वही देखना है, हम उसमें ज्यादा माइंड यूज नहीं कर सकते। सो इल्यूजन का यूज हुआ है यूरोपियन पेंटिंग में, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन इट। दूसरी तरफ एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ स्पिरिट इन एशिया, तो माइंड का यूज, जो एसेंस होता है इनर लाइफ का और जो स्पिरिट है एशिया का वो यूज होता है चाइनीज पेंटिंग। ओके, इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंसेस। ओके, तो चाइनीज जो स्टोरी थी उसमें जो एम्परर था वो एक पेंटर को हायर करता है और वो उसको बनाता है एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। अभी चाइनीज स्टोरी में क्या था, वो जो आउटर अपीयरेंस था उसको वो एडमायर करता है, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जब आर्टिस्ट था वो उसको दिखाता है कि उसका ट्रू मीनिंग क्या है। द एम्परर वे रूल ओवर द कैरेक्टर ही हैज कंफर्ट बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे बिगिन। एम्परर जो था उसने काफ़ी सारे जो कैरेक्टर थे उस पर जीत हासिल की थी, वो एम्परर था, लेकिन जो आर्टिस्ट है वही उसका रास्ता जानता है कि अंदर कहाँ जाना है। मतलब भले एम्परर ने बहुत सारे जो टैलेंट थे उसके ऊपर उसने राज किया होगा, उसके ऊपर उसने हावी होगा, लेकिन एक आर्टिस्ट ही होता है जो उसके पेंटिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। जो एम्परर था वो उसके अंदर इतना ज़्यादा दिखने नहीं सोच सकता है। सो द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विदिन। इसका अंदर जाने का रास्ता सिर्फ आर्टिस्ट को ही पता था। लेट मी शो द वे, मुझे दिखाने दो अपना रास्ता। द दाओ, दाओ में मतलब जो वो दाओ से था वो। ओके, तो दाओ का यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है वो हमें दिखाएं। दाओ मीन्स अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मैथड एंड द मिस्ट्रीज वर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स।
तो दाव के दो मीनिंग है, एक तो पाथ या तो फिर रास्ता या तो फिर मेथड, और मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक मिस्टीरियस वर्क। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल ओके बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंसेस। तो पेंटिंग चली गई लेकिन जो आर्टिस्ट का जो गोल था वो उसने हासिल कर दिया, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंसेस, वो उसने दूसरी और कुछ नहीं दिखा लेकिन उसको क्या दिखा, एक स्पिरिट देखी, एक सोल देखा जिसके अंदर वो चला गया। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. तो जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप होती है, जो क्लासिकल चाइनीज पेंटिंग होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती किसको, एक्चुअल व्यू को। तो इट डजंट रिप्रोड्यूस द एक्चुअल व्यू ऑफ द पेंटिंग एज वेन वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे यूरोप या तो फिर वेस्टर्न जो पेंटिंग होती है इसमें जैसे एक्चुअल व्यू होता है, वैसे चाइनीज पेंटिंग में एक्चुअल व्यू नहीं होता है। Where the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. Okay, one more time. The European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly he saw it. मतलब जो European painter होता है, he wants to borrow your eye. Okay, वो हमारी आंखें borrow करता है, मतलब वो ही हमें दिखाना चाहता है जो उसने draw किया है, जो उसने देखा है। Okay, in simple. तो the European painter wants you to borrow his eyes and look at the painter landscape exactly he saw it from a specific angle. एक specific angle से देखना है और कोई दृष्टिकोण उसमें use नहीं करना है. Okay? The Chinese painter does not choose a single viewpoint. तो जो Chinese painter है वो एक single viewpoint choose नहीं करता है. हमारे पास दो painting है Chinese painting. तो एक सिंगल व्यू पॉइंट हम इसको नहीं देख सकते, इसमें हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। His landscape is not a real one. Chinese painter की जो लैंडस्केप होती है वो एक रियल लैंडस्केप नहीं होती, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, हम उसमें एनी पॉइंट कोई भी दृष्टिकोण से कोई भी जगह से हम उसमें एंटर हो सकते हैं। देन ट्रैवल इट, हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। तो जो आर्टिस्ट होता है वो एक रास्ता हमारे लिए क्रिएट करता है जिसमें हम उसमें एंटर होके उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। देन बैक अगेन इन अ लेजरली मोमेंट, और स्लोली हम उसमें अंदर एंटर होके उसमें जाके या फिर हम वापस उसमें कम बैक कर सकते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द ओरिजिनल स्क्रॉल। तो एक ओरिजिनल स्क्रॉल एक वन काइंड ऑफ पेंटिंग है, हम उसमें सर्च आउट कर सकते हैं। In which the action of slowly opening one section of the painting, उसमें क्या होता है, one by one section open करते हैं, जैसे scroll होता है वैसे। तो पहले एक section open करना है, फिर वो बंद करके फिर से दूसरा section open करना है। तो in which the action of slowly opening the one section of the painting, then rolling it up to move on the other, scroll करके हम दूसरे section में जा सकते हैं। Adds a dimension of time which is unknown in any form of पेंटिंग ओके। तो वो क्या करता है, डायमेंशन ऑफ टाइम, हम उसमें टाइम ज्यादा रखता है वो पेंटिंग देखने में। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। जो चाइनीज पेंटिंग होती है उसमें इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, हमें व्यूअर की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ, उसमें हम दिखा उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन उसको चाहिए। Who decides at what pace will travel through the painting? तो व्यूअर होता है जो डिसाइड करता है कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ट्रैवल करना है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अंदर एंटर होना है। A participation which is physical as well as mental. तो participation as a physical भी होती है और mental भी होती है। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. तो जो Chinese painter होता है वो नहीं चाहता कि वो हमारी आंखें borrow करे। Doesn't want you to borrow his eyes, he wants you to enter his mind. Okay? तो वो सोचता है कि हम हमारा माइंड यूज करें उसमें। The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. Okay? तो the landscape is an inner one, a spiritual, एक spiritual होता है landscape and a conceptual space. Conceptual space मतलब it refers to relation with the abstract than the factual representation.
दिस इज द इनकैलकुलेबल डायमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है उसका। ओके, तो ये हो गया चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग। लेकिन इस लेसन में हम ज्यादातर चाइनीज पेंटिंग के बारे में ज्यादा लर्न करना है। ओके, सो नथाली ट्रॉवेलर, उसने ट्राई किया है कि हम चाइनीज लैंडस्केप क्या होते हैं, चाइनीज पेंटिंग क्या होती है, और उसने क्या क्या हमें उसमें ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम माइंड यूज करते हैं, यहाँ पे हम आइस यूज करते हैं, इतना डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो चाइनीज पेंटिंग है उसमें माउंटेन और रिवर दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, और उसके बाद एक जो कॉलम है उसमें वृंदा सूरी हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 एक आर्टिकल है इसके बारे में, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे जो लास्ट पैराग्राफ है वो, और गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे।